उत्तर प्रदेश के जालौन में एक मौलाने ने वशीकरण कर महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देते हुए मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का कहना है कि उसके पति के रिश्तों को लेकर अनबन चल रही थी और इसी का फायदा उठाकर मौलाना ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके पति के साथ विवाद चलता था। उसे किसी ने बताया कि पति से विवाद खत्म करने के लिए एक मौलाना उसके वशीकरण की ताबीज बनाकर दे सकता है, जिसके बाद वो मौलाना शफीक कादरी के पास पहुंच गई। महिला का आरोप है कि दुआ करने के झांसे में फंसाकर मौलाना शफीक कादरी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी को कुछ न कहने और बताने की हिदायत दी, लेकिन वो साहस करते हुए देर शाम तहरीर लेकर कोतवाली पहुंची, जहां महिला ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, आज दिनांक 15/1/2024 को बजरिया की एक रहने वाली महिला जो है वो थाने पे आकर के तहरीर दी। उसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस के ही एक व्यक्ति हैं जो झाड़ फूँक का काम करते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर के उनके यहाँ जाती रहती थी। कल वो शाम को 4-5 बजे करीब गई थी तो उसने आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे झाड़ फूँक के बहाने उन्होंने मुझे पानी पिलाया और उसके बाद मेरे साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 36/2024 धारा 376/506 APC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी से इस संबंध में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और भी इसमें गहराई से छानबीन की जा रही है। सम्यक साक्ष्य संकलन के उपरांत इस संबंध में विवेचना का गुणदोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए।